देखिए चावला जी, पूरे डिबेट को समझने के लिए एक उदाहरण मैं देता हूं। 1970-71 में अमेरिका इसी हालत में फंसा था जिस हालत में हम फंसे हुए हैं। अमेरिका की सरकार ने अपनी प्रायोरिटाइज डिसाइड की, उन्होंने टैक्सेशन में रिबेट नहीं दिया, उन्होंने कोई छूट नहीं दी, वो टैक्स बढ़ाते गए, उन्होंने आंख मूंद के एक काम किया, हाईवे बनाने शुरू किए, रेल रोड वगैरह सब बनाने शुरू किए, और ऐसा कई सालों तक उन्होंने किया, एक काम को खत्म कर दिया, उसका फायदा आज तक अमेरिका ले रहा है। मैं बोलता हूं महंगाई को कम करना है तो एक आप काम करिए, जम के सब्सिडी दीजिए, पेट्रोल को 10 रुपए में बांटना शुरू कर दीजिए और 6 महीने के भीतर आप श्रीलंका बन जाइए। जनता समझदार हो चुकी है, अगर जनता सड़कों पे नहीं आ रही है तो जनता लॉन्ग टर्म विजन को समझ रही है। आप इतिहास उठा के अमेरिका का डेवलपमेंट देखिएगा, 1971 में ठीक यही कंडीशन थी, जनता महंगाई से अमेरिका ने स्कूलों को बेचने का काम नहीं किया था, सार्वजनिक एक सवाल बड़ा बड़ा विचारणीय है कि आपकी सारी बातों को मैं मानता हूँ, महंगाई है, सारी चीजें है, और सरकार हर वो काम कर रही है जिससे सरकार की इनकम बढ़ती है, सरकार का ये बिहेवियर क्यों है? इंडिया में भी एक बार सिचुएशन ऐसा आया था, हम सब्सिडी पे सब्सिडी आंख मूंद के देते जा रहे थे ताकि जनता खुश रहे, और हमें अपने सोने गिरवी रखने पड़ गए थे, और एक महीने या एक हफ्ते का हमारे पास पैसा था। मैंने इसीलिए बोला कि अमेरिका की 1971 की पॉलिसी ठीक आज की सिचुएशन इंडिया में वही है जो अमेरिका में 1971 था। आप श्रीलंका बनिए, आप दूरदृष्टि लेकर के अमेरिका बनिए या श्रीलंका बनिए, तो जनता की जनता डिसाइड करेगी, आम आदमी ही क्यों भुगतेगा? सवाल यही है कि सिर्फ आम आदमी मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास गरीब ही भुगतेगा, ये भुगतने वाली बात नहीं है। देश की जनता इस सेक्रीफाइस के लिए तैयार है, इस त्याग के लिए तैयार है, देश की जनता चाहती है हम 4-5 साल का आप ये चाहते हैं 150 रुपए पेट्रोल हम कबूल खत्म कर देंगे। ओके, आप चाहते हैं